मैं वो वाहिद बंदा था जो कि सारे पैसे वहां लगा के आ गया था, मैं कोई पैसा वापस लेके नहीं आया। और उसकी वजह यह थी कि मेरे एक दोस्त से जब मैंने बात की, मैंने कहा यार मेरा तो नहीं दिल करता कि मैं यूरोप में बैठा हूँ और 25 मुल्क में फ्री जा सकता हूँ, तो मैं क्यों ना जाऊँ। ठीक है, फ्राई यूनिवर्सिटी, फ्री बर्लिन में मेरा, बर्लिन में मेरा बड़ा मल्टी कल्चरल सिटीज था। तो मैंने फिर वो सारा यूरोप जो है वो देखा, सड़क के रास्ते भी, समुंदर के रास्ते भी, और गाड़ियों के रास्ते भी, लिफ्ट लेके भी। तो ये बड़ा अच्छा उस चीज़ को एंजॉय किया। तो मेरा दोस्त जो था वो कहता, दो साल के तीन साल के बाद मुझे कहता यार मैंने तो वहाँ पर एक नाल का प्लॉट ले लिया है पाकिस्तान में और घर भी बना लिया है, तो तुमने क्या किया है। मैंने कहा नहीं यार, मैंने जो करना था मैं उससे बहुत खुश हूँ, जिंदगी आपको बार बार मौका नहीं देती। इस हवाले से टूरिज्म का जो है वो इस हवाले से था। तो आप लोगों से जब आके मिले हैं तो मुझे ये मेरी जो अपनी है वो बड़ी कम सी लगी है कि ये जितना आप लोगों ने देखा है, आप लोगों का इलम है, मेरा शायद इस हवाले से कम है। मैं आता हूँ अपने तारुफ के हवाले से थोड़ा सा प्रवाद हूँ। मैंने 2002 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट। 2 साल गुजरने के बाद मैं वहाँ मैंने टॉप किया, और टॉप करने के बाद 1 महीने के बाद ही जिस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा था उस डिपार्टमेंट में मुझे एज ए टीचर की जॉब मिली। बड़ी बात है। आई फील माई सेल्फ लकी ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिल गया कि मैं वहीं पर पढ़ने लग गया। उसके बाद फिर मैं इसी फील्ड में एंटर हुआ। 2011 में मेरा स्कॉलरशिप हुआ और मैं PhD के लिए दिल में चला गया। 5 साल के बाद जब वापस आया तो दोबारा से फिर अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, और 2018 में अल्लाह ताला का खास करम हुआ कि जिस डिपार्टमेंट में मैं एज स्टूडेंट आया था अब उसी डिपार्टमेंट का मैं चेयरमैन भी हूँ। 16 साल के बाद तो मैं तो जितना भी शुक्र करूँ खुदा का काम है। तो ये जो कुछ भी हुआ ये दोस्तों की मोहब्बत से, प्यार से, वालदैन की दुआ से, कुछ अपनी थोड़ी बहुत मेहनत से, बिल्कुल वरना हर एक पे कर्म नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब तुम्हारा कर्म है आका, तो बात अब तक बनी हुई है। ठीक है, उस हवाले से ये है। तो मेरा जो फील्ड रहा है वो हमेशा से, जो मैं PhD का जो फील्ड है वो गंदारा है, गंदारा आर्ट ही है। और जब मैं वापस आया तो वापस आके फिर मैंने, अब मैं गंदारा पे भी काम कर रहा हूँ और मैं जेनिज्म पे भी काम कर रहा हूँ। बहुत कम लोग ये भी जानते होंगे कि लाहौर में और पाकिस्तान में एक ऐसा मज़हब गिरा है जिसका नाम जेनिज्म था, जैन मत के लोग। उसकी जो पहली पहचान है वो हमारा एक यहाँ पर जैन मंदिर है, स्टाफ भी है, अनारकली के पास एक मंदिर है, वो गिरा हुआ जैन मंदिर है। वो 1992 में गिराया गया था जब बाबरी मस्जिद को वहाँ गिराया गया, तो उसके रिएक्शन में फिर पंजाब में भी 30 से 35 मंदिरों को तोड़ा गया था जिसमें ये जैन मंदिर भी शामिल है। तो ये हिंदू मंदिर नहीं है, ये जैन मंदिर है। तो हमारे पास हिंदू मज़हब भी है, हमारे पास बौद्ध मज़हब भी है, हमारे पास जैन मज़हब भी है, और हमारे पास सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, और मुसलमान तो डेफिनेटली हमारा उसमें है ही है। तो इस तरह बहुत से ऐसे मज़हब हैं जो कि हमारे इस खित्ते का हिस्सा रहे हैं। तो मेरी जो कि थोड़ी सी स्टडी है आजकल वो यही है कि ये जो हमारा खित्ता है जिसने इतने ज़्यादा मज़हब को खुले बाजुओं से अपनाया है, उसमें कैसे ये हो सकता है कि वहाँ पर शिद्दत पसंदी या दहशत गर्दी का एलिमेंट आ जाए। हमारा जो मुआशरा है इसमें हमेशा से ही एक अंसर रहा है एक्सेप्टेबिलिटी का। बिल्कुल, हमारी ज़मीन देख लें, हमारी तारीख देख लें कि जितने इन्वेडर्स या वो आए हमला और इस